बड़ी खबर 12 के मांगरौल से, कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव के घर चोरी का मामला आया सामने, लाखों की नकदी और आभूषणों पर किया हाथ साफ। बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भी भारी आक्रोश। अंजुमन मदरसा कमेटी के सदर भी है मोहम्मद अशफाक, पुलिस ने घटना के बाद घटना स्थल का लिया जायजा। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है 12 के मांगरौल से, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव के घर चोरी का मामला आया सामने, लाखों की नकदी और आभूषणों पर किया हाथ साफ। बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भी काफी आक्रोश व्याप्त। आपको बता दें अंजुमन मदरसा कमेटी के सदर भी हैं मोहम्मद अशफाक, पुलिस ने घटना के बाद घटना स्थल का लिया जायजा। भयंकर, पुलिस प्रशासन नाम का कोई चीज है मांगरौल के अंदर है ही नहीं। हालात इतने खराब हैं कि आए दिन चोरियां हो रही हैं, लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। गैंगें सक्रिय हो रही है और कंडीशन ये है कि दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। रात के 9 बजे चोरी हो जाना आश्चर्यजनक घटना है और पुलिस प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। पूरी पब्लिक आक्रोश में है, अगर ये कंडीशन रही तो एक दिन पब्लिक आंदोलन करेगी मांगरौल। आपको बता दें बड़ी खबर 12 के मांगरौल से, जहां पर कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव के घर ही चोरी का एक मामला आया सामने, लाखों की नकदी और आभूषणों पर किया हाथ साफ। बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भी भारी आक्रोश व्याप्त। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कुलदीप, जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं 12 के मांगरौल में बढ़ती जा रही है, और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव के घर ही चोरी हो गई, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? जी सर, कल 10 बजे की घटना बताई जा रही है। पड़ोसी के यहाँ बीमार तबियत चाल पूछने गए हुए थे, इसी दौरान 10-15 मिनट के में ही चोर घटना को अंजाम दे बैठे। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस बारे में? पुलिस प्रशासन ने रात को ही घटना स्थल का जायजा लिया, कुछ लोगों को संदेह के दायरे पर हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन कुलदीप, हमने देखा कि जिस प्रकार से ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और फिर उसके बाद कुलदीप माफ कीजिएगा, जो विधायक है वहां पर मोहम्मद अशफाक, उनकी भी उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाही वहां पर बरत रहा है और इस वजह से लगातार ये चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? पुलिस जैसे जैसे चोरी की रिपोर्टें का मामला सामने आता है, पुलिस कार्यवाही भी समय पर करती है, पर कई मामलों में पुलिस नहीं पहुंच पाती। परसों के रोज भी उन्होंने बमोरी चोरा, बमोरी कला में सराफा व्यवसाय के यहाँ हुई चोरी, जाने के सामानों में के मामले में मोगिया जाति की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और उन्हें एसीजीएम न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस कार्रवाई भी करती है पर चोर साथी रोते हैं। तो आपको क्या लगता है कुलदीप कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है? जी, प्रशासन समय पर कार्रवाई तो करता है पर चोर भी साथी भी होते हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें बड़ी खबर 12 के मांगरौल से,